गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ब्यूटी ग्लो। सो आज हम करने वाले ग्लिटर आई मेकअप, जो बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल है, आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे NYB का कंसीलर और इसे मैं पूरे लिड अपनी आई लिड पर अप्लाई करूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज पाउडर। इस लूज पाउडर से हम हमारे कंसीलर को सेट कर देंगे ताकि हमारा जो भी बेस है वो अच्छी तरीके से हो। अगर बेस अच्छा होगा तभी हमारा आई मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा, इसलिए हम इसे अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 88 कलर आई शेडो पैलेट हमेशा की तरह। इसमें से हम सबसे पहले लेंगे ये पिंक कलर का शेड और इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम इसे अपने क्रीज पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले एज अ ट्रांजिशन शेड। तो इस तरीके से हम अपने क्रीज पे पहले ये पिंक कलर को अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे क्रीज पे। देन हम इसके बाद लेंगे फिर से वही NYB का कंसीलर और इसे इस कंसीलर से इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक हम पूरा जो हमारी आई लिड है उसे कट कर देंगे, क्योंकि हम इसमें फुल कट क्रीज ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हम इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक इस कंसीलर से लगा के कट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम अच्छे तरीके से शेप दे देंगे ताकि जो भी हमारा आई मेकअप है वो अच्छे तरीके से दिख जाए। मैं यहाँ एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को कट करने के लिए, कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए। आपके पास भी जो भी फ्लैट ब्रश हो का आप वो यूज़ करें। फिर इसके बाद हम फिर से वही लूज पाउडर लेंगे ब्लू हेवन का और उसे सेट कर देंगे कंसीलर को पाउडर की हेल्प से। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिंक शेड लेके उसे शार्प कर रही हूँ ताकि जो हमारा ऊपर का कलर है वो दिखे और हमारा जो शेप है वो भी अच्छे तरीके से कट क्रीज जो है वो दिख के आए। फिर इसके बाद हम इसी पैलेट में से ये जो पर्पल शिमर शेड है उसे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमने कट क्रीज ड्रॉ की है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो शिमर शेड होता है फिंगर से अच्छी तरीके से लगता है, ज़्यादा पिगमेंटेड हो लगता है वो, ज़्यादा कलर आ जाता है, पिगमेंटेड हो जाता है अगर हम फिंगर से अप्लाई करें तो, इसलिए मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। फिर यहाँ पे हम इसी पैलेट में से पर्पल जो ग्लिटर है वो लेंगे। मेरी वो क्लिप डिलीट हो गई थी इसलिए मैंने वो दिखाई नहीं। फिर हम कर रहे हैं अंडर आई का मेकअप। तो मैंने पहले कंसीलर लगाई और उसे फिर से लूज पाउडर से सेट कर दिया अप्लाई करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद। फिर मैंने वाटर लाइन के नीचे जो हमने पर्पल शिमर शेड लगाए थे उसे अप्लाई कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा और हम इसके एक दो कोट अच्छी तरीके से लगा लेंगे अपने लैशेस पे। मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन का लाइनर और इससे हम एक अच्छे से विग लाइनर ड्रॉ करेंगे। आपको जो लाइनर ड्रॉ करना आप कर सकते हो, सबके साथ ये सूटेबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रेस ग्लिटर यूज़ किया था तो इसके लिए मैंने ग्लू वगैरह कुछ नहीं लगाया था, डायरेक्ट मैंने जो हमने शिमर शेड लगाए थे पर्पल उसके ऊपर अप्लाई कर दिया था थोड़ा थोड़ा सा लेके। आप भी थोड़ा थोड़ा सा लेके अप्लाई करें, ज़्यादा ना ले वरना वो जो प्रेस ग्लिटर है वो एक जगह ही रुक जाता है। अगर आप लूज ग्लिटर यूज़ करें तो उसके लिए आपको ग्लू लगाना कंपलसरी है। फिर जो आप ग्लिटर अप्लाई करोगे उसे थोड़ा थोड़ा सा लेके अप्लाई करें, वरना जो ग्लिटर है वो एक जगह ही जम जाता है, फिर वो मूव नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ग्लिटर लेके अप्लाई करें। मेरी वो क्लिप डिलीट हो गई थी वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। इसके बाद मैंने अपना काजल अप्लाई कर लिया था। फिर यहाँ पे हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। 1, 2, 3 मैंने आईलैशेस लगा के अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर दिया है। तो आपको भी ऐसा मेकअप करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, इजी, और इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए सब अफोर्डेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।